तो लास्ट टाइम क्या पढ़े थे हम लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये था ना। क्यों आशुता, यही पढ़ते हैं लास्ट टाइम? ओके, तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है, ये यानी ये दोनों लाइन इक्वल रहेगा, एक छोटा एक बड़ा करोगे तो वो तो सेल हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर, दो पैरेलल लाइन रहेगा, दिस शोज दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब चलो अपन देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किए होंगे, तुम्हारा ये 10th क्लास में याद है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, देन हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, टू टाइप, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिमिलरली हियर इन कैपेसिटर देयर आर टू कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, देयर आर टू कॉम्बिनेशन इन कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलो अपन देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सिमिलर है जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में पढ़ते हैं वैसे ही यहां पर। तो सपोज दीज आर थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3, दे आर कनेक्टेड सच दैट सेकेंड टर्मिनल ऑफ ईच कैपेसिटर कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट कैपेसिटर, यानी इसका सेकेंड इसके फर्स्ट से, सेकेंड इसके फर्स्ट से, नेक्स्ट सेकेंड अगले के फर्स्ट से, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, दैट मीन्स इफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट सेकेंड टर्मिनल ऑफ ईच कैपेसिटर ज्वाइन टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट कैपेसिटर, देन सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ? तो सपोज C1, C2 एंड C3 आर थ्री कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विथ अ सेल ऑफ पावर सप्लाई भी, सेल इस सीरीज कॉम्बिनेशन पे कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है, वी पोटेंशियल। देखो ध्यान से देखो, अभी सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर नहीं होगा तो आगे न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम जाएगा। मैं जो क्वेश्चन भेजाऊ ना उसका नेक्स्ट पेज में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसमें जो भी बनेगा उसको बनाते जाना, ठीक है? तो सपोज वी इज द पोटेंशियल अप्लाइड टू C1, C2 एंड C3, दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज क्यू चार्ज यहां से ड्राइव हो रहा है, ओके? तो व्हाट आर द चार्जेस ऑन C1, C2 एंड C3? यहां चार्ज सेम रहेगा। हाँ, यहां पर चार्ज के लिए कोई और रास्ता तो है नहीं, यानी हर एक कैपेसिटर पे चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा, दैट इज Q, Q एंड Q।
तो चार्ज रिमेन सेम, बट व्हाट इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1, V2 एंड V3। तो क्या होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन सेम बट पोटेंशियल्स आर डिफरेंट। ओके, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द टोटल, इफ V1, V2 एंड V3 आर पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, देन V=V1+V2+V3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। होगा इतना, ये होगा ना, वी इज द, ये पोटेंशियल थ्री पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब देखो, वी नो दैट Q=CV, ये होता है रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस, Q=CV बताया था मैं, होता है ना इतना, तो Q=CV, तो V=, क्या हो जाएगा, Q/C, तो V1=Q/C1, क्योंकि चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C1 है, V2=Q/C2, V3=Q/C3, ये V1, V2, V3 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, देखो क्या होगा, V का वैल्यू Q/C=Q/C1 Q/C2 Q/C3, Q कैंसल हो गया, दैट इज 1/C=1/C1 1/C2 1/C3, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आया समझ में इतना, ठीक है, इसको फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो, C=C1+C2+C3 व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी वो बायो वालों का क्लास में बहुत प्रॉब्लम हो गया था, आज का आंधी तूफान चल रहा था तो क्लास नहीं हो पाया, तो उन लोग को बोल देना कि इसी वीडियो को देख लें, कल मैं इसके आगे से चालू करूंगा, ओके, रिपीट नहीं करूंगा, बोल देना इसी वीडियो को शेयर करूंगा, उसको इन लोग देख लेंगे। चलो, तो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, सपोज दीज आर द कैपेसिटर, थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3, ओके, दे आर कनेक्टेड इन सच अ मैनर दैट फर्स्ट टर्मिनल ऑफ ऑल कैपेसिटर कनेक्टेड एट वन पॉइंट एंड सेकेंड टर्मिनल ऑफ ऑल कैपेसिटर कनेक्टेड एट द अदर पॉइंट, देन सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। आया समझ में, तो सपोज C1, C2, C3 आर थ्री कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ पावर सप्लाई V। V क्या है, V है पोटेंशियल अप्लाई किए अक्रॉस इट। सपोज क्यू इज द चार्ज इमर्जिंग आउट ऑफ सेल, देन एट पॉइंट ए व्हाट हैपन हियर, देयर आर थ्री डायरेक्शन, एक जा रहा है C1 के तरफ, एक C3, एक C2, एक C3, यानी पॉइंट ए पर चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी C1 में चार्ज गया Q1, C2 में Q2, C3 में Q3, तो यहां पर चार्ज क्या हो रहा है, चार्ज डिफरेंट है, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, बट पोटेंशियल देखो यहां पे C3 पर भी पोटेंशियल भी, इसको हटा दो C2 पर भी, C1 पर भी, दैट मीन्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल रिमेन सेम बट चार्ज
थ्रू द कैपेसिटर रिमेन डिफरेंट। क्लियर हुआ? तो व्हाट इज द टोटल चार्ज? टोटल चार्ज हो गया Q इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री। ओके, इक्वेशन नंबर वन। तो Q इक्वल टू सी वी, ये पता है, यानी Q1 इक्वल टू सी वन वी, Q2 इक्वल टू सी टू वी, Q3 इक्वल टू सी थ्री वी, ये हो जाएगा। ये सारे वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर दो, सी वी इक्वल टू सी वन वी प्लस सी टू वी प्लस सी थ्री वी, सबका वी भी कॉमन है तो कैंसिल हो गया, C इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आया समझ में? ओके, क्लियर है यहां तक? सीरीज पैरेलल, क्लियर हुआ? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों अनुराग, हर्षिता, शिवम? ओके, एनर्जी वाला आगे पढ़ेंगे ना, अभी एनर्जी वाला नहीं पढ़ा रहा हूं। एनर्जी इन कैपेसिटर वो अगला टॉपिक है, पहले अभी सीरीज पैरेलल देख लो। ओके, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वन अपॉन सी इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। पैरेलल में सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। ओके, चलो तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सपोज दीज आर थ्री कैपेसिटर ईच हैविंग, चलो फोर कैपेसिटर है, ईच हैविंग कैपेसिटेंस फोर माइक्रोफेरड। माइक्रोफेरड होता है ना कैपेसिटेंस का यूनिट, फेरड। What is the equivalent capacitance between A and B? तो ये जो चार हैं, these four are in which combination? पहले ये बताओ। सर सीरीज में। सीरीज में है कि पैरेलल में है? क्यों हर्षिता? सीरीज में है। क्यों अनुराग, सीरीज में है कि पैरेलल में? सर सीरीज में। अभी तो बोल रहा था सीरीज में नहीं है। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा सीरीज में दिखता है पर पैरेलल में रहता है, अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? चार्ज सेम है तो सीरीज में, चार्ज कहीं पे बट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वहां से वो पैरेलल हो जाता है। तो अगर मैं यहां फिर चार्ज सेंड करूं Q, तो ये Q Q Q Q Q Q ऐसा रहेगा, सब में Q चार्ज, तो ये किसमें हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वन अपॉन सी इक्वल टू वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई है, तो बाद में तो गलत बोल दिया था ना, ठीक है सर। सीरीज सीरीज सर पांच बार बोला सर सीरीज, तो एक बार पैरेलल में तो बोला था। चल ये हो गया, आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। फाइंड द, चलो इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल में है। देयर आर डिफरेंट कैपेसिटर
इधर चलो यहाँ पर बैटरी लगा है, पोटेंशियल भी है, नाम दे दिए इसको C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। चलो बताओ कौन कौन सा सीरीज में है, कौन कौन सा पैरेलल में, बस यही बताना है, ज्यादा नहीं। C1 C2 कैसे सीरीज में हो जाएगा, बीच से देखो ये बाहर निकला है। सबसे पहले तो सीरीज पैरेलल एकदम आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, सिंपल सर्किट में तो हो जाएगा। इस टाइप के सर्किट में देखो C1 और C2 सीरीज में है क्या? नो सर। नहीं है। C1 C3 सीरीज में है क्या? ये भी नहीं है। पैरेलल भी नहीं है देखो, क्योंकि पैरेलल में ये दोनों एक पॉइंट पर, यानी ये वाला प्लस है तो ये वाला भी प्लस होना चाहिए, बट देखो यहां पे ये प्लस है तो ये माइनस हो जा रहा है, पैरेलल भी नहीं है। अच्छा C7 C8 किसमें है? सीरीज में, ये हो सकता है सीरीज में, चलो हो गया। और यहां पे कौन पैरेलल में है? C4 C5 ये किसमें है बताओ तो? क्यों अनुराग, C4 C5 किसमें है? पैरेलल है, क्योंकि देख इसका अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस ही होगा और ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, तो प्लस प्लस एक जगह, माइनस माइनस एक जगह, इसलिए पैरेलल। अब चलो ठीक है, सपोज सबका वैल्यू है 2 माइक्रोफेरड, यानी हर एक कैपेसिटर का वैल्यू है 2 माइक्रोफेरड। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कहां से स्टार्ट करोगे? ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 2 2 2 2 2। चलो स्टार्ट करो, जहां पे जो सीरीज दिख रहा है, जहां पे कहीं पैरेलल दिख रहा है उसको वहीं पे सॉल्व कर दो। किसको करोगे बताओ तो पहले सॉल्व? C7 C8। ओके वेरी गुड, ये दिख रहा है सीरीज, तो 1/C7 8 ऐसा लिख दो तो याद रहेगा कि 7 और 8 को सॉल्व किए हैं। 1/2 + 1/2 यानी 1 हो गया, C7 8 का वैल्यू हो गया 1 माइक्रोफेरड, यानी इसका मतलब ये दो कैपेसिटर को हटा के वी कैन प्लेस हियर 1 सिंगल कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 1 माइक्रोफेरड। ओके अब देखो, अब किसको सॉल्व कर सकते हैं? क्यों अनुराग, मीनाक्षी? C5 C4 देखिए पैरेलल में है, इसको ऐसा बना सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं ना, C4 था, ये भी 2 ये भी 2, तो C5 4 ऐसा कर दो, या 4 5, ये अपने को याद रहेगा कि 4 और 5 को सॉल्व कर लिए हैं इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। सबको सी सी रखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा सी किसका है। क्या होगा, 2 और 2 पैरेलल में है तो 2 + 2 होता है C4 5 = 4 माइक्रोफेरड। ओके यानी इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा 4 माइक्रोफेरड। कौन सा था? C4 5। फिर C2 3, ये वाला C6 था ना, किसको किसको सॉल्व, 2 3 कैसे सॉल्व होगा? 2 3 देखो पैरेलल में नहीं है, यहां से ये प्लस प्लस तो होगा बट इधर देखो ये डिवाइड हो जा रहा है, किसको सॉल्व करोगे? C4 5 और C6। हाँ C4 5 C6,
देखो ये एकदम क्लियर दिख रहा है सीरीज में, है कि नहीं? Yes. तो वन अपॉन सी फोर फाइव सिक्स ऐसा कर लो, इक्वल टू वन बाई फोर प्लस वन बाई टू, एलसीएम आ गया फोर, वन प्लस टू यानी सी फोर फाइव सिक्स हो गया फोर बाई थ्री माइक्रोफेरड, यानी इसको हम लोग हटा के वी कैन पुट हियर वन सिंगल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस फोर बाई थ्री माइक्रोफेरड, ये हटा दो। ये हो गया फोर बाई थ्री, किसका वैल्यू है सी फोर फाइव सिक्स। चलो इसको हटा दीजिए पूरा, अपन तो लिख लिए इधर। हाँ अब बताओ अब किसको सॉल्व करोगे, सी फोर फाइव सिक्स और सी टू थ्री सी सेवन एट। देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो सी फोर फाइव सिक्स सेवन एट सॉल्व हो गया, वन प्लस फोर बाई थ्री यानी सेवन बाई थ्री माइक्रोफेरड होगा कि नहीं होगा, क्यों बाकी लोगों को समझ में आ रहा है मीनाक्षी? ये क्या है सी फोर फाइव सिक्स सेवन एट। चलो अब किसको सॉल्व करोगे सर, सी फोर फाइव सिक्स सेवन एट और सी टू। ऐसा ये पैरेलल नहीं हो सकता ना, क्योंकि बीच में ये आ गया, यहां पर ये अड़ंगा पैदा कर रहा है, तो ये सीरीज में क्या हो जाएगा सेवन बाई थ्री इंटू टू अपॉन सेवन बाई थ्री प्लस टू, ऐसा करके सॉल्व कर दो, फोर्टीन बाई थ्री अपॉन थर्टीन बाई थ्री, फोर्टीन बाई थर्टीन माइक्रोफेरड ये आ रहा है ना। इसको सॉल्व किए कितना आया हर्षिता? यही आएगा। चलो तो ये हट गया 14 बाई 13, 14 बाई 13 अब कैसे सॉल्व करोगे C3 और 14 बाई ये पैरेलल है, पैरेलल सॉल्व कर दो, 14 बाई 13 प्लस 2 था ना 26 प्लस 14 बाई 2 बाई 13 यानी कितना हुआ 40 बाई 13, तो ये 40 बाई 13 और वो 2 किसमें है सीरीज में है। यस सर। तो फाइनली क्या होगा C इक्वल टू 2 इंटू 40 बाई 13 अपॉन 40 बाई 13 प्लस 2 यानी ये हो गया 80 बाई 13, 40 प्लस 26 बाई 13 ये और ये कैंसिल, 80 अपॉन 66 40 अपॉन 33 माइक्रोफेरड कितना होगा। ठीक है तो अब समझ में आ गया कैसे सॉल्व करोगे इसको। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको फटाफट सॉल्व के बताओ आंसर। अब वो जो मैं भेजा हूँ ना क्वेश्चन उसमें जो सेकंड पेज में है उसको सॉल्व करते जाओ, उसमें है ना कुछ कुछ बहुत टफ वाले हैं, तो उसको मैं बताऊंगा या यूट्यूब में एक बार सर्च करके देख लेना, मैं उसमें सॉल्व कर दिया हूँ। जो क्यूबिक सर्किट वगैरह है ना वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करोगे तो वो इजी हो जाता है, बिना इक्विवेलेंट सर्किट के वो टफ रहता है। ए और इधर बी 40 60 60 60 10 ऐसा है, सब माइक्रो फैराड में है। ओके
40 माइक्रोफेरेड, 60 60 60 माइक्रो, 10 10। चलो नंबरिंग कर दो, C1 C2 C3 C4 C5 C6, कहां से स्टार्ट करोगे? फ्रॉम वेयर यू विल स्टार्ट? जो जहां पर सीरीज या पैरेलल दिख रहा है उसको वहीं पे सॉल्व कर दो। ओके चलो, जहां पे जो सीरीज दिखे, जो पैरेलल दिखे उसको वहीं सॉल्व कर दो। कहां से सॉल्व करोगे बताओ, कहां से स्टार्ट करोगे? क्यों हर्षिता, कहां से स्टार्ट करोगे बताओ? C5 C6, ठीक है, वेरी गुड। C5 C6 किसमें है? पैरेलल। व्हाट विल बी रिजल्टेंट? 20। ओके ठीक है, चलो तो ये C5 6 सॉल्व किए, इट इज 20 माइक्रोफेरेड हो गया ये। अब बताओ C2 C3 C4 दे आर इन विच कॉम्बिनेशन? सीरीज। सीरीज कितना आएगा आंसर? सर 50/15। ये कितना आएगा? सर वही बता रहा हूँ, 50/15। अरे कैसे आएगा? 1/C = 1/60, 1/60, 1/60, 1/60, 3/60, यानी 1/20, तो C = 20 आया ना। ये सबका इक्विवेलेंट हो जाएगा 20 माइक्रोफेरड। अब क्या करोगे? C2 3 4th है, अब किसको सॉल्व करोगे? C2 3 4 और नीचे 3 6। 5 6 जो है, दे आर इन विच कॉम्बिनेशन? पैरेलल। ओके 20 20 पैरेलल में है, बताओ तो हर्षिता क्या आएगा? पैरेलल में था ना, इक्विवेलेंट क्या आएगा? 20 20 को सॉल्व करोगे कितना आएगा? 40। पैरेलल में 40। ओके तो 40 माइक्रोफेरड, दिस 40 माइक्रोफेरड एंड दिस 40 माइक्रोफेरड आर इन सीरीज, देन व्हाट विल बी आंसर? कितना आएगा फाइनली आंसर? C = 20 माइक्रोफेरेड। ओके ठीक है, yes, चलो तो अब आइडेंटिफाई कर लोगे सीरीज पैरेलल ना। दीज आर 3 कैपेसिटर connected in such a manner as shown in the figure between terminal A and B, each having capacitance 3 microfarad. What is equivalent capacitance? पहले बताओ they are in which combination? सीरीज और पैरेलल? पैरेलल। क्यों अनुराग, पैरेलल दिख रहा है ये?
सीरीज, अंकित को सीरीज दिख रहा है, अनुराग क्या दिख रहा है तेरे को बता। सीरीज सीरीज, देखो सीरीज किसको बोलते हैं, कर चार्ज सेम रहेगा। तो अगर मैं यहां से क्यू चार्ज भेजता हूं तो ये चार्ज तो इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ना, कहां से सीरीज हुआ? ओके, अब देखो अगर मैं इसको प्लस देता हूं तो ये पूरा प्लस गया, यहां भी प्लस हो जाएगा, यानी ये प्लेट प्लस, ये प्लेट प्लस, अगर और ये माइनस है तो ये प्लेट माइनस, ये प्लेट माइनस, ये प्लेट माइनस, समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट ये वाला प्लेट, ये प्लेट, ये प्लेट, तीन प्लेट प्लस पे है और थ्री प्लेट माइनस पे है, क्या होना चाहिए? पैरेलल। चलो ऐसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दे रहा हूं। ओके, देखो यहां पे ये ए है, चलो यहां पर पॉइंट ए रख दो, इधर पॉइंट बी है, चलो इसको सी और इसको डी कर दो, तो ये सी और ये डी, ए और बी के बीच अपने को फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो देखो यहां पे ए और सी, ए और सी के बीच हाउ मेनी नंबर ऑफ कैपेसिटर, वन है, वन कैपेसिटर यहां बना दो। चलो बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच भी वन कैपेसिटर है, बिटवीन डी एंड बी ये भी वन कैपेसिटर है। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखो बिटवीन ए एंड डी कोई कैपेसिटर नहीं है, तो इसको ऐसे ही, इसको ऐसे ज्वाइंट कर दो, बिटवीन सी एंड बी कोई कैपेसिटर नहीं। अब कैसा दिख रहा है ये? अगर अभी भी डाउट है तो ये सी वाले ये टर्मिनल को यहां पर कर दो और ये टर्मिनल को यहां पर कर दो, यानी सी को मैं इधर खिसका दिया, डी को इधर खिसका दिया, ये ऐसा हो गया। आया समझ में? अब ये कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। व्हाट विल बी रिजल्टेंट? यानी थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री क्या होगा? 9 माइक्रो फैरड। आया समझ में? तो जहां भी ऐसा कैपेसिटेंस आएगा सीधा उसको समझ जाना है कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ओके, चलो ऐसे ये क्वेश्चन है, तुरंत समझ जाना है कि पैरेलल में है ऐसा वाला, वो तो समझाने के लिए था, इक्विवेलेंट सर्किट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि ये पैरेलल होता है। चलो ये ऐसा है कॉम्बिनेशन, 2 माइक्रोफैराड, 3, 5, 10, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, बन जाएगा। कितना आएगा? 20। कैसे 20 आया? यहां तक तो पैरेलल में है, यहां तक का आंसर क्या होगा? हाँ ये इतना बस पैरेलल में है ना, तो 3, 2 प्लस 3 प्लस 5, 10 हो गया, और ये 10 पहले से है, यानी दीज टू आर इन सीरीज, तो आंसर आएगा 5 माइक्रो फैराड। क्लियर हुआ? ठीक, तो जो क्वेश्चन मैं भेजा हूं उसमें देखते जाओ, सीरीज पैरेलल सॉल्व करते जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन सब तुम से बन जाएंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन है,
दिस इज द सर्किट डायग्राम इधर है 20 20 20 और ये सी है पॉइंट ए पॉइंट बी। अब बोला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 30 माइक्रो फैरड। सपोज सी डैश है यानी टोटल जो आंसर आ रहा है इसका वो है 30 माइक्रो फैरड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी बना लोगे? क्यों अनुराग? टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज गिवन एज 30 माइक्रो फैरड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? ऑल दीज कैपेसिटर आर इन माइक्रो फैरड। कितना आएगा बताओ? 60। क्यों हर्षिता? अंकित, मीनाक्षी, कितना है? सर पहला तीन जो तो सर के साथ सीरीज में है। हाँ, ये सॉल्व करोगे तो 60 आ गया होगा ना। अब ये सॉल्व किए पैरेलल में है तो C1 + C2 + C3 दैट मीन 60 माइक्रोफैरड। ये 60 और ये C सीरीज में है तो क्या होगा? C इंटू 60 अपॉन C प्लस 60 इक्वल टू C डैश, यही होगा ना इक्विवेलेंट। C1 C2 सीरीज में ऐसे सॉल्व करते हैं ना। बताया था मैं फॉर्मूला सिंगल लाइन में कि 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1। चलो उधर दिख नहीं रहा है। 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 है तो ये C1 C2 C1 प्लस C2 यानी C को C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना डायरेक्ट। तो वैसे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। वो तुम्हारा सी डैश है, सी डैश का वैल्यू कितना है? 30 है। चलो 10 10 कैंसिल हो गया। 6C इक्वल टू 3 × C + 60 यानी 6C इक्वल टू 3C + 180 यानी 3C इक्वल टू 180, C का वैल्यू 60 माइक्रो फैरड। आया समझ में? ठीक है चलो, तो इतना रहन दो। वो जो क्वेश्चन में मैं जो सेकंड वाला पेज भेजा हूं उसको सॉल्व करके सेंड करो। कोई सेंड नहीं करता है? पहले वाला तो कोई सेंड नहीं किया। अनुराग चल तू करना सेंड, हर्षिता, अंकित, उसमें जितना बन जाए उसको सेंड करो, बाकी मैं बताऊंगा कल। ओके ठीक। अटेंडेंस भेज देना हर्षिता।